बुलंदशहर में धनतेरस की धूम है। आपको बता दें कि बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जो ग्राहक हैं वो बाजारों में मिठाई और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने पहुंच रहे हैं। और बात करें धनतेरस की, तो धनतेरस के इस खास मौके पर जो लोग हैं वो सर्राफा बाजार में सोने व चांदी और डायमंड के आभूषण लेने पहुंच रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पे सोने चांदी के आभूषण लेना काफ़ी शुभ है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सर्राफा व्यापारी गौरव गौड़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए इस पर किस तरह से धनतेरस का जो मौका है उस पर क्या कुछ खास है और लोग कितनी जो खरीदारी है वो करने पहुँच रहे हैं? बहुत ही शुभ माना जाता है धनतेरस का जो है, इस पर सोने चांदी में विशेष खरीदारी मानी जाती है जो कि आगे भी लाभ देती है, मतलब कहते हैं इसमें बरकत होती है। तो इस बार हमने सोने के और चांदी की नई मूर्तियाँ बनाई हैं, लक्ष्मी गणेश के अलावा देवी जी की, राम दरबार, और गिफ्ट आइटम्स काफ़ी बनाए हैं और अच्छे रिस्पॉन्स आ रहा है हमें मार्केट से। और मैं चाहता हूं कि भाई सब लोग ऐसे ही आगे बढ़ें। ये बताइए कि जिस तरह से ग्राहक पहुँच रहे हैं खरीदारी करने, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के क्या इंतजाम दिखाई दे रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी हमारे कप्तान साहब ने हमें सुरक्षा दे रखी है स्पेशल इस दिन के लिए कि कोई घटना ना हो जाए, एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड। तो ये थे सर्राफा व्यापारी गौरव गौड़ जो बता रहे थे कि जो लोग हैं वो लगातार शॉपिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और साथ ही अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो बुलंदशहर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी बाजारों में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया, साथ ही CCTV कैमरे के माध्यम से भी लगातार जो निगरानी है वो की जा रही है। अनुभव शर्मा, ABP न्यूज़, बुलंदशहर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।